व्यूअर्स नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल व्यूअर्स। आज हम व्यूअर्स आपके लाए हैं कबूतरों को तावा कैसे कराएं। व्यूअर्स, तावा कराने का मतलब व्यूअर्स ये होता है कबूतरों का एक गहरा, या फिर कह सकते हैं उठक बैठी कराएं, या फिर हम कह सकते हैं छत का एक चक्कर। कैसे कराएं उनको, कैसे उड़ाएं। कुछ भाइयों के जैसे कबूतर होते हैं, नए कबूतर वो डालते हैं, तो उनको क्या करते हैं वो खिलाते पिलाते रहते हैं, तो खिलाने पिलाने से हो जाते हैं वो मोटे, तो उनकी चर्बी कैसे कम करें, उनको कैसे उड़ाया जाए। जैसे जोड़े बाल कबूतर हो गए व्यूअर्स, जैसे जोड़े बाल कबूतर हो गए, उनको खिलाया पिलाया, अब भाई ने सोचा कि उनको जोड़े से हटा के उड़ाना है, तो कैसे उड़ाएं। ठीक है व्यूअर्स, तो उसके लिए मैं पानी लेके आया हूँ। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक मग पूरा पानी भर के डाल लेना है। ठीक है व्यूअर्स, उसके बाद आपको लेने हैं दो बतासे, ज़्यादा व्यूअर्स नहीं लेने, दो बतासे लेने हैं। ठीक है, दो बतासे लेने हैं, इसको पानी में डाल लेने हैं। ठीक है व्यूअर्स, उसके बाद आपको क्या करना है, आमा हल्दी लेनी है व्यूअर्स। ये होती है आमा हल्दी व्यूअर्स, व्यूअर्स आमा हल्दी होती है, ठीक है, पंसारी की दुकान में आपको आसानी से मिल जाएगी। और आप पंसारी की दुकान में जब भी जाइएगा तो उससे कहिए कि भैया अच्छी वाली हमको बड़ी वाली एक बढ़िया आमा हल्दी दें, ताकि वो जो उसका असर होता है, ठीक है, कुछ आमा हल्दी क्या होती है नकली भी आती है व्यूअर्स, ठीक है, तो उससे कहें ओरिजिनल वाली देना भैया। ठीक है, इसके आपको 50 हिस्से लगाने हैं व्यूअर्स। ठीक है व्यूअर्स, इसको आपके 50 हिस्से लगाने हैं। हिस्से मतलब कैसे, यहाँ से ये हो गया हमारा एक राउंड हो गया व्यूअर्स, ये हो गया दो राउंड, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक, फिर नीचे से ऊपर लेके आएंगे तो एक राउंड होता है व्यूअर्स। ठीक है, तो इसके आपको जैसे ही 50 हिस्से लगाने हैं, ये मैं आपको 50 कबूतरों को बता रहा हूँ व्यूअर्स। ठीक है, ये 50 कबूतरों को बता रहा हूँ। आमा हल्दी क्या करती है, कबूतरों के जो कुंडे के में चर्बी होती है उसको ख़त्म करती है, उनके कुंडे खोलती है व्यूअर्स। तो इसी तरीके से आपको लगाना है, अच्छी आमा हल्दी होगी तो व्यूअर्स बहुत जल्दी ही उसका असर निकलने लगेगा। ठीक है व्यूअर्स, ये मैं 50 कबूतरों का बता रहा हूँ। अगर जिससे अगर आप कम भी लगाते हो, जैसे अगर किससे आपको कम भी लगते हैं, तो तब तो व्यूअर्स आपकी दिक्कत आ जाएगी। आपको दिक्कत मतलब व्यूअर्स क्या आ जाएगी, दिक्कत ये आ जाएगी कि आपका कबूतर उस हिसाब से चलेगा नहीं। आप जितना सोचने करोगे, जितना आप सोचोगे कि मेरा कबूतर यार हमने इतना खेल लगाया है चला नहीं, तो भाई जितने मैं गिस्से बता रहा हूँ उसी हिसाब से आप गिस्से लगाइएगा। जैसे 30 कबूतर भी होगा, 40 कबूतर भी होगा, आप अगर इसके 50 गिस्से भी लगा लेंगे तब भी कोई फक्र नहीं है, ठीक है, तब भी वो काम करेगा। ठीक है व्यूअर्स, तो 30-40 कबूतर पर भी आपको लगाने ना, अगर आप पहली बार ये पानी लगा रहे हो तो। ठीक है व्यूअर्स, इसके आपको 50 गिस्से लगा लेने हैं। देखिए व्यूअर्स, पानी में असर निकलना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं व्यूअर्स, ऐसे घिसते रहते हैं, उसमें पानी का असर नहीं निकलता है व्यूअर्स, तो ऐसे ही असर निकलना चाहिए। ठीक है व्यूअर्स, ये हो गए मेरे 50 हिस्से पूरे हो गए व्यूअर्स। ठीक, अब उसके बाद आपको क्या लेनी है, एक हड़, बड़ी हड़ आती है व्यूअर्स, ये बड़ी हड़ आती है, या बड़ी भी आती है, छोटी भी आती है, कोई भी आप पंसारी दुकान में ले सकते हैं। ठीक है, इसके आपको लगाने हैं सिर्फ 30 किस्से, 50 कबूतरों पर सिर्फ 30 किस्से लगाने हैं बस, ज़्यादा नहीं खेलना है इसको। बस आपको बस ज़्यादा किस्से नहीं लगाने हैं, बस 30 किस्से लगाने हैं, ज़्यादा नहीं लगाने हैं। ये क्या करती है, ये हवा में रोकने का काम करती है, हड़ क्या करती है, हवा में रोकने का काम करती है। ठीक है कबूतरों का, अब उसके बाद आपको क्या कर लेना है, दो बादाम ले लेने हैं बस, सिर्फ दो बादाम ले लेने हैं। ठीक, वो भी 18 घंटे पानी में भींगे हुए। ठीक है व्यूअर्स, 18 घंटे पानी में भींगे हुए दो ही बादाम लेने, ज़्यादा नहीं लेने, वरना आपका कबूतर मस्ती में आ जाएगा। बादाम क्या करेगा, आपके कबूतर को ताकत देगा। ठीक है, और बिल्कुल हल्के हाथ से घिसना है, जैसे मैं घिस रहा हूँ, बिल्कुल हल्के हाथ से घिसना है व्यूअर्स, ऐसे बिल्कुल ही हल्के हाथ से। कुछ लोग क्या करते हैं, जल्दी ऐसे घिस दिया, अब उसका जल्दी से वो पीसने के चक्कर में उसके जितने भी ये होते हैं दाने टाइप के होते हैं, ठीक है, वह दाने टाइप के होते हैं वो दिखने लगते हैं पानी में, तो वो दाने टाइप के नहीं दिखने चाहिए, उसको अच्छे से पीसना है आपको। ठीक है व्यूअर्स, इस तरीके से पूरे दो बादाम, ज़्यादा नहीं खेलना है व्यूअर्स, जितना मैं बताऊंगा उतना ही खेलना है। इस तरीके से आपको घिस लेना है पूरा, बादाम दो बादाम पूरे।
ये देखिए बस इस तरीके से। ये जो आप पानी देंगे ये 2 दिन आपको कंटिन्यू रखना है व्यूअर्स पानी। आप अपने कबूतरों में खुद ही देखेंगे कि हाँ मेरा कबूतर अब सही हो रहा है। और ज़्यादा आपको जाती नहीं करनी है अपने कबूतरों पे, या आप पानी लगाने पर ज़्यादा आपको जाती नहीं करनी है। जितना आपका कबूतर उठे सिर्फ उतना ही उठाइएगा, धीरे धीरे ही वो सब जितने कबूतर जो भारी दिख रहे हैं ठीक है वो सब हल्के हो जाएंगे। हम अपने कबूतरों को हमने पहले यही पानी देते थे और देते हैं अभी भी देते हैं, मगर अभी कोई ज़रूरत है नहीं। वह आपने पिछली वीडियो में देखा होगा हमारे कबूतर बिल्कुल सही हो गए हैं। कुछ कबूतर बैठे थे, हमने एक बार बस पानी लगा दिया, उसके बाद हमारे कबूतर सब उड़ने लगे हैं। जो हमने पट्टे उस छोटे वाले जाल से बड़े वाले जाल में किए थे बस गर्दान वाले में, और हमने बताया था गर्दान वाले हमने सब बेच डाले थे, सब हटा दिए थे। ऐसे ही घिस लेना। ये पानी आप अपने 30 कबूतरों को भी दे सकते हैं, 30 हो या 40 हो या 50 हो। मैं वैसे 50 कबूतरों को बता रहा हूँ। अगर जैसे 30 कबूतरों में भी आप आम हल्दी के 50 घिसे लगा देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अगर पहली बार लगा रहे हो तो अगर आप देते चले आ रहे हैं तो घिसे 10-15 कम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये पूरा बादाम घिस गया बस ठीक है। अब हमने जो बतासे आए थे देखिए इतने बतासे बचा है। बतासा हमने इसलिए डलवाया था क्योंकि आपका कबूतर आमद भी कर सके ठीक है। बाई चांस अगर आपका कबूतर ऊंचा हो गया और सामने वाली पार्टी ने अगर लड़ा दिया आपसे ठीक है, तो आपके कबूतर जो हैं नुच के चले जाएंगे आपके पास। आवाज़ देने पर आपके कबूतर नुच के चले जाएंगे आपके पास, उससे सामने वाली पार्टी पर नहीं जाने पाएंगे नए कबूतर व्यूअर्स ठीक है। हमने पहली चीज़ क्या बताई व्यूअर्स, आपको बतासा बताया ठीक है जो आपके कबूतरों की आमद कराएगा व्यूअर्स। उसके बाद हमने बताया है क्या आम हल्दी, ये अपने आपके कबूतरों के कुंडे को जो है जाम हुए हैं उनको खोल देगी व्यूअर्स, उनके कुंडों में जो चर्बी होती है उसको कम करेगी व्यूअर्स, ये आम हल्दी होती है ठीक है। और ये हो गया हमारा हाड़ ठीक है, छोटी बड़ी कोई भी ले लें हाड़, कोई भी सब काम आती है ठीक है। ये हो गई आपकी हाड़, ये कबूतरों को हवा में रोकने का काम करती है व्यूअर्स। और ज़्यादा आपको नहीं खेलना, जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही खेलना, और ये मैंने बादाम डाले थे व्यूअर्स ठीक है। बस इतनी ही चीज़ आपको देनी है पहले दिन ठीक, इतनी ही चीज़ आपको पहले दिन देनी है। दूसरे दिन में बस आपको 5 घिस्से आम हल्दी के बढ़ाने हैं व्यूअर्स, सिर्फ 5 घिस्से आम हल्दी के व्यूअर्स बढ़ाने हैं और कुछ नहीं करना है आपको ठीक। अब आपको क्या करना है, इस पानी को अपने कबूतरों को देना है। जितना आपके कबूतर पी पाते हैं व्यूअर्स पानी, जितना आपके कबूतर व्यूअर्स पी पाते हैं आपका ये पानी ठीक, उतना ही आपको ऐड करना है इसमें। ज़्यादा ऐड नहीं करना है वरना आपका पानी वेस्ट चला जाएगा, और जितना हमने घिसा है ठीक है सब उसका असर कम हो जाता है व्यूअर्स इससे। जितना आपका कबूतर पानी पीता है बस आपको उतना ही पानी ऐड करना है इसके बाद ठीक है। अगर वीडियो व्यूअर्स आपको अच्छी लगी हो तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ठीक है व्यूअर्स। और आगे बताइएगा कि मैं किस चीज़ के बारे में वीडियो डालूं, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में भी बताइएगा कि आपने अपने कबूतरों को ये पानी लगाया कि नहीं लगाया व्यूअर्स ठीक है। बस थैंक यू व्यूअर्स, और ये टिप्स पिजन टिप्स के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरा चैनल।